अब अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलते हैं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्वड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मीन्स जो जितनी भी अपने पास ये दे रखी है, ये सारी सारी क्या है, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मीन्स अगर हम इनके अंदर थीटा की कोई भी वैल्यू रख के देखें, 0 डिग्री, 30, 45, कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो हम इनको सोल्व करेंगे तो इक्वल आएगी। थीटा की कोई भी वैल्यू मीन जो इसके अंदर वेरिएबल है थीटा, उसकी हम कोई भी वैल्यू रखें दोनों तरफ तो इक्वल आएगी। इसको हमें प्रूव करना है। तो ये दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह भी ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, इसको लेंगे तो हमने लिख दिया, इसको क्या लिख देते हैं, क्या कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और होल स्क्वायर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब कोसेकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर है। इसके बाद क्या आ गया अपने पास, हम इसके अंदर क्या लेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ चुका है, साइन थीटा। साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, 1 ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 1, ऐसे ऐसे यहां पे क्या आ गया, कोस थीटा। तो ये अपने पास क्या चीज बन के आ गई, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये आ चुकी है अपने पास फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। होती है क्या, होती है अपने पास फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, जो अपने पास ये एक्स्ट्रा में है मीन्स कोस स्क्वायर थीटा, उस उठा के राइट साइड में ले जाएंगे। जैसे इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम यहां पुट कर देते हैं इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, और ऊपर ये 1 माइनस कोस थीटा है, ये स्क्वायर रखा है यहां पे, रखा रहने देते हैं। इसकी जगह पुट कर दिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है, कोस। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया, 1a² - b²। तो अब क्या करेंगे, यहां पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग जाती है, क्या बन गया, ये तो एज इट इज है, यहां पे क्या बन जाएगा, a² - b² कहता है a + b (a - b) या a - b (a+b), ये आ चुका है। ये क्या अपने पास स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम इसको दो बार लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब देखें 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट जाता है, तो क्या बचता है, 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, और देखो ध्यान से क्या ये वही चीज नहीं जिसे हमें प्रूफ करना था, तो इसे लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूफ हो गया सिंपल। अब इसके अंदर हमारे पास जितने भी जो भी काम हमने किया है वो सब कुछ हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से आता है सेकेंड पार्ट, कोस ए, अब थीटा के प्लेस पे क्या आ गया, ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बाय 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 secant a। अब हमें ये प्रूफ करना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको उठा के चलते हैं, मान लो हमने इसको ले लिया यहां से, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो एलसीएम क्या आता है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इस पूरी चीज को इससे डिवाइड कराएंगे तो कोस ए बचेगा, कोस ए के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस से कोस कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए। मोर देन वन टाइम है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका स्क्वायर बन जाएगा, यह आ गया अपने पास। अब इसके बाद क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर बनता है यहां पे, बना देते हैं। तो ये जो नीचे रखा है डिनोमिनेटर पार्ट में वो रख के ही रखते हैं, तो ये तो अपने पास एज इट इज है ही, कोस स्क्वायर ए प्लस, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस
बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए प्लस टू इंटू ए इंटू साइन ए, ये आ चुके अपने पास। अब इसके बाद क्या करते हैं, कोस स्क्वेयर जो ये यहाँ पे है अपने पास, कोस स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर एक आइडेंटिटी बन जाती है फर्स्ट वाली, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा या साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, वन। तो इन दोनों के प्लेस पे वन रख देते हैं, और जो ये वन स्क्वेयर है ये वन होता ही है, ये वन रख दिया, और यहाँ पे ये टू इंटू वन इंटू साइन ए, ये क्या बन जाता है टू साइन ए, और डिवाइड में जो चीज़ है वो एज इट इज क्या है डिवाइड में, वन प्लस साइन ए इन टू कोस ए। अब इसके बाद क्या करेंगे, वन प्लस वन टू प्लस टू साइन ए डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए इन टू में क्या आ जाता है कोस ए। आप देखो ध्यान से, यहाँ से टू कॉमन आ जाता है, तो टू कॉमन आने के बाद क्या बचेगा अपने पास, ये टू कॉमन ले दिया, अंदर क्या बचता है वन, यहाँ से लेंगे तो वन बचेगा और यहाँ पे साइन ए बचेगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया जो बचता है, और डिवाइड में क्या था वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसे लिख के रखते हैं वन प्लस साइन ए और इंटू में जो भी है वो एच डीज। अब देखें भाई वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसल हो जाता है, तो क्या बचेगा टू अपॉन कोस ए। अब टू अपॉन कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन बाय कोस ए, और वन बाय कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, तो टू इंटू सीकेंट ए क्या आ गया टू सीकेंट ए। देखें क्या हमें यही नहीं प्रूफ करना था, टू सीकेंट ए क्या किया हमने, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वेयर लगाया, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर टू ए बी, यहाँ से देखा हमने भी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा मिलकर वन बन जाता है, और वन स्क्वेयर वन होते ही है, और यहाँ पे टू रखा है दोनों में से टू कॉमन लिया तो ये आ गया, और फिर हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट क्या ये दे रखा है हमारे को, इसको इसके इक्वल दिखाना है, वन प्लस सेकेंड ए इंटू कोसेकेंड ए लिखते हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और डिवाइड में वन माइनस कोस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम कोस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस इसी तरह से यहां पे कोट थीटा को हम लिख लेते हैं कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, फिर बाय में क्या आ जाएगा वन माइनस टेन आ चुका है, टेन को लिख लेते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, वन को वन बाय वन लिख सकते हैं दोनों तरह दोनों जगह पे। अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं, मतलब जो ऊपर रखा था वो तो हमने एज इट इज रख के रखा साइन थीटा बाय कोस थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा नीचे सिर्फ इसके डिनोमिनेटर पार्ट में ही, तो कितना आएगा साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा को जब साइन थीटा इसे वन से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, ये एज इट इज, फिर साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे वन, और वन को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा, तो बीच में जो प्लस था वो एज इट इज, और इससे ऊपर जो ये रखा था हमारे पास कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा वो एज इज रखा है। अब नीचे इसके डिनोमिनेटर पार्ट में क्या करेंगे, जो ये हमारे पास यहाँ बचा यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो वन और कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा आ जाता है, फिर कोस थीटा को वन से डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा, और माइनस कोस से कोस को डिवाइड किया वन, ऊपर मल्टीप्लाई किया आया तो क्या आ गया साइन थीटा, ये आ चुका है। अब देखो ये हमारे पास वही फॉर्म है पी बाई क्यू कंप्लीट डिवाइड बाई क्या हुआ है आर बाई एस, तो पी बाई क्यू जो एज इट इज और ये आर बाई एस ऊपर जाके चेंज होकर बन जाती है एस बाय आर, तो ये हमने ऐसे ही लिखा साइन थीटा बाय कोस थीटा, और ये ऊपर जाके बन जाएगी साइन थीटा, और ये जो एस है ये नीचे आ जाएगा अपने पास जो आर है ये आ गया। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसमें पहले क्या लिखेंगे जो ये कोस थीटा बाय साइन थीटा है, फिर चेंज होके ऊपर क्या आ जाएगा भाई कोस थीटा, और नीचे क्या बन जाता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई क्यों, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन टर्म है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो माइनस का हेयर फेयर है, क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले देते हैं, जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो इस तरह की चीज बन जाती है ये, तो हमने कॉमन लिया और यहाँ पे क्या बन चुका है ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर आ चुका है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और हमने यहां से माइनस कॉमन ले दिया तो वो माइनस यहां आ गया ऊपर, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वेयर डिवाइडेड में क्या आ चुका, इसके बाय में क्या आ चुका है साइन थीटा इंटू, जैसे माइनस लेंगे तो कोस नेगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव टर्म को बाद में लिख लेते हैं, ये आ चुका है। देखिए ध्यान से दोनों में, डिनोमिनेटर पार्ट से ये वाली ब्रैकेट कॉमन आ जाती है तो कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, वन बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ऊपर क्या आ गया अपने पास साइन स्क्वेयर थीटा बाय कोस थीटा माइनस, इसी तरह से यहां से कॉमन आएगी तो ऊपर क्या बचेगा कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये आ चुका है। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा साइन इंटू कोस, तो हम इसको उठा के यहां पे लिख देते हैं जो अपने पास ही आता है, तो पहले बाहर जो रखा है वो तो रखा रहने देते हैं, बाहर क्या रखा है भाई अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा रखा है, इसको रख के रखते हैं, वन बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जब इस साइन थीटा इंटू कोस थीटा को कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा, इसी तरह से साइन थीटा इंटू जो अपने पास एलसीएम आया इसको कोस से साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा कोस बचेगा, कोस के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये कोस क्यूब थीटा। अब ये चीज है अपने पास, यहां से क्या करते हैं जो नीचे रखा है वो तो एज इट इज, मतलब वन बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो एज इट इज, अब अंदर जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो भी एज इट इज है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो अंदर क्या बचाइए साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये क्या होती है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो ये आइडेंटिटी है, ए की जगह पे कौन है साइन थीटा और बी की जगह पे कौन है कोस थीटा, तो इसको लगा सकते हैं, तो जैसे ही लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ए मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वेयर मतलब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर मीन्स कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी, ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये आ गया अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां से क्या होगा जो ये अपने पास वन बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहां भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है तो क्या बच जाता है अपने पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, और साथ में क्या बचता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिवाइड में क्या बचा है क्या पड़ा है साइन थीटा कोस थीटा, ये है अपने पास। अब इन दोनों फर्स्ट टू टर्म्स में क्या लग जाती है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो क्या होती है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन, और जो ये फालतू का साथ में रखा है उसे रख के रखते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, डिवाइड में जो है वो रखते हैं क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखो ए प्लस बी बाय सी टाइप की फॉर्म बन गई तो क्या लिखेंगे ए बाय सी प्लस बी बाय सी, इसको लिख देते हैं ए मतलब वन और सी साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी, बी मीन्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा और सी क्या है अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां से साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट जाते हैं, क्या आ गया कट गया वन, और ये जो वन बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा इसको हम क्या लिख लेते हैं वन बाय साइन थीटा इंटू वन बाय कोस थीटा, और प्लस में वन तो है ये, वन बाय साइन थीटा क्या होता है अपने पास कोसेकेंट थीटा और वन बाय कोस थीटा होता है सेकेंट थीटा, और प्लस में वन तो था ही, देखो क्या हमें यही नहीं लेके आना था वन प्लस सेकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। अब एक बार फिर देखते हैं हम इसको कैसे करते कैसे हमने किया थे, जो टेन था और कोट था इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया साइन और कोस की फॉर्म में, दोनों चेंज कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया हमारे पास ये आ गया, फिर यहाँ पे पी बाय क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर बाय एस टाइप की फॉर्म है इसको हमने चेंज कर दिया,
चेंज कर दिया। तो यहाँ देखा भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हमने इसको सेम में एक तरह से एक जैसे लेके आने के लिए माइनस कॉमन लिया। जैसे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आ गया और अंदर दोनों फॉर्म सेम टू सेम हो गई, तो हमने इसको बाहर कॉमन ले दिया, अंदर ये बच गया। ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, तो हमने क्या किया एलसीएम लिया। एलसीएम आके बाद ये आ गया हमारे पास, एलसीएम लिया तो ऊपर हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई, वो लगाई तो हमारे पास एक चीज कैंसिल आउट हो गई, तो अंदर ये चीज बची थी, यहाँ पे भी लग गई हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वन आ गया। फिर ए प्लस बी बाय सी टाइप की फॉर्म आ गई, तो ए बाय सी प्लस बी बाय सी वहां से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाती है। अब इसके बाद आता है अपने पास पार्ट फोर, वन प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाई सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए बाय वन माइनस कोस ए। ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये उठा ली सपोज करो हमने, इसके बाद क्या करेंगे हम सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोस ए लिख सकते हैं, और डिवाइड में भी सीकेंट है तो इसको भी हम वन अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। अब इस वन को वन अपॉन वन लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे नीचे जो चीज रखी है वो तो ऐसी की ऐसी रखी रहेगी वन अपॉन कोस ए, और यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा कोस ए आएगा वन और कोस का, तो ऊपर क्या आ जाता है अपने पास कोस ए प्लस वन। अब दोबारा फिर ये पी बाय क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय एस टाइप की फॉर्म है, इसको हमें चेंज करना आता ही है। मीन्स क्या करते हैं पी बाय क्यू को तो एज इट इज रखते हैं, और आर बाय एस को जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चेंज होकर क्या बन जाता है एस बाय आर बन जाता है, मतलब कोस ए बाय वन बन जाएगा, ये बन जाता है। फिर यहां से कोस ए कैंसिल आउट हो जाता है, तो अपने पास क्या बन जाता है कोस ए प्लस वन या वन प्लस कोस ए। अब इसके बाद हम इसमें क्या करना है, इसके बाद या तो हम इसकी राइट साइड को सोल्व करेंगे जो ये है अपने पास, अगर इसको सोल्व नहीं करना है तो हम इसके अंदर वन माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं, वन माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया वन माइनस कोस ए से। जैसे ही हमने वन माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया तो इसके न्यूमरेटर में क्या बन गया वन प्लस कोस ए इंटू वन माइनस कोस ए, इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, और वो कौन सी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और डिवाइड में तो अपने पास ये रखा ही है। अब ए स्क्वेयर मीन्स वन स्क्वेयर, वन स्क्वेयर क्या होता है वन, और बी स्क्वेयर मतलब कोस स्क्वेयर, और नीचे तो ये है ही अपने पास। अब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के वन माइनस कोस ए स्क्वेयर किसके इक्वल होता है अपने पास साइन स्क्वेयर ए के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस में हम साइन स्क्वेयर ए पुट कर देते हैं, तो यही अपने पास आ जाता है। क्या निकालना था साइन स्क्वेयर ए निकालना था, साइन स्क्वेयर ए बाय वन माइनस कोस ए। क्या किया हमने सीकेंट को कोस में चेंज किया दोनों जगह से, फिर इसका एलसीएम लिया पी बाय क्यू बाय आर बाय एस टाइप की फॉर्म है, उसको चेंज करके हमने ऐसे बनाया, तो कोस ए कोस कट गया तो वन प्लस कोस ए बचा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया वन माइनस कोस ए से, वहां से हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ चुकी है, हमने लगा दी वो। फिर देखा हमने कि भाई ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से एक वैल्यू आ जाती है, क्या वन माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, वो अपने पास आ गया।